अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज की वीडियो में भी एक और अफ्तार दावत आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ अफ्तार दावत लगातार ही होती चली जा रही हैं, तो अब मैं आपके साथ ईद की भी कुछ तैयारियाँ शेयर करूँगी और ईद गिफ्ट्स की जो पहले भी मैंने आपके साथ पैकिंग शेयर की थी वो भी सब शेयर करूँगी। तो अभी आज मेरी अफ्तार है अपनी फ्रेंड के घर, और वहाँ पहुँच के आपको बाकी चीज़ें भी दिखाती हूँ। तो अभी बस चलते हैं। फ्रेंड की तरफ मैं आ गई हूँ और अभी बस थोड़ा सा टाइम रह गया, तो बस स्टार्ट करें। क्योंकि रमज़ान का आखिरी अशरा आ चुका है और चाट्स और ये चीज़ें खा के थोड़ा सा दिल भर भी जाता है, तो इसलिए आज फ्रेंड ने बनाया हुआ था पास्ता जो कि बहुत मज़े का था। और ये है चीज़ी पास्ता, वाइट सॉस पास्ता। तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया और आज हम यहाँ पे थोड़ी सी ईद शॉपिंग और ईद गिफ्ट्स पैकिंग भी करना चाह रहे थे, लेकिन देखते हैं अगर हमें टाइम मिला तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। और अभी यहाँ पर हम अपनी फेवरेट कॉफ़ी बना रहे हैं, और ये मैंने अपनी सिस्टर के घर भी आपको काफ़ी बार दिखाई है कि इस साशे से आप किस तरीके से बहुत इजीली थोड़ा सा इसमें एवेपोरेटेड मिल्क डाल के कॉफ़ी बना सकते हैं। फ्रेंड के घर के थोड़े से क्लिप्स मैंने आपको दिखाए हैं, और होम डेकोर का हम सबको ही बहुत शौक है, तो यहाँ पे एक स्टिकर वो बाय करके आई हुई थी तो हम यहाँ पे वो लगाने लगे हैं। मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ कि ये कितना खूबसूरत लगेगा एंड में। और ये वाला स्टिकर उसने बाय किया है होम सेंटर से। मैं अपने घर की भी होम डेकोर आपके साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, और अभी मैं ईद से पहले कुछ होम डेकोर भी आपके साथ शेयर करूँगी और ये भी बताऊँगी कि कहाँ कहाँ से मैंने क्या क्या चीज़ें बाय की हैं। अपने मुल्क से दूर जो भी लोग रहते हैं उनका ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब आप परदेश में हैं तो आपका अपना घर नहीं है, उसको डेकोरेट करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे आप रह रहे होते हैं वही आपका घर होता है, और उसको आपको इसी तरीके से डेकोर करना चाहिए कि आप उसमें बहुत अच्छा फील करें। तो ये है जी फाइनल लुक, और हमें ये बहुत अच्छी लग रही थी। जिस तरह मैंने लास्ट रमज़ान में भी आपके साथ कुछ ईद गिफ्ट्स के आइडियाज़ शेयर किए थे, इसी तरीके से मैं इस वीडियो में भी आपके साथ कुछ आइडियाज़ शेयर करती हूं। और अगर आप अपनी फैमिली में बच्चों को या इवन बड़ों को भी ईदी देना चाहते हैं तो आप इस तरीके से चीज़ें बाय करके तो गिफ्ट पैक्स बना सकते हैं। अभी हम यहाँ पर एक शॉप पर आए थे जहाँ पर कुछ अबायाज़ भी थे, लेकिन ये चिल्ड्रन अबायाज़ हैं और जो बाकी अबायाज़ थे वो हमने नहीं देखे। तो अभी बस यहाँ पर हम कुछ चीज़ें देख रहे हैं ताकि हम अपनी ईद की बास्केट्स को डिज़ाइन कर सकें। और इस शॉप पे काफ़ी खूबसूरत चीज़ें थी, इसकी मैं लोकेशन भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। अगर आप रियाद में रहते हैं तो आप इस शॉप पे जाके विज़िट ज़रूर करें। बहुत खूबसूरत चीज़ें थी यहाँ पे और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल की चीज़ें थी। जिस तरह से रमज़ान के डेकोर के लिए यहाँ के मॉल्स में और यहाँ के स्टोर्स में काफ़ी डेकोरेटिव आइटम्स आ जाते हैं, इसी तरह ईद से पहले भी यही होता है। और ये सारी ईद की डेकोर है जो कि आप अपने घरों में वॉल हैंगिंग्स और इस तरह के ईदी के लिए इन्वेलप्स लेके बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं कुछ बच्चों के लिए चीज़ें देख रही थी, और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट स्टाइल के यहाँ पर बैग्स बने हुए थे जिसमें आप गुडी बैग्स की तरह बना सकते हैं। फिर ये लाइट्स हैं जो कि मैंने अपने घर में भी लगाई हैं, और अक्सर ही मुझे मैसेज आता है कि लाइट आपने कहाँ से बाई की हैं, तो ये इसी तरह की 5 रियाल शॉप से मैंने बाई की हुई हैं। नॉर्मली यहाँ पे किसी भी 5 रियाल पे इस तरह के ईद गिफ्ट बॉक्सेस आपको नज़र आ जाएंगे, और इसमें आप कुछ भी स्वीट्स वगैरह डाल के या ईदी डाल के तो बच्चों को दे सकते हैं। और पूरे पूरे बॉक्सेस भी यहाँ पे बने हुए मिलेंगे जिसमें ऑलरेडी चिप्स और चॉकलेट्स वगैरह डली हुई होंगी जो कि आप बस बाय करके तो ईद पर दे सकते हैं। आज मैंने सहरी में ये पफ पेस्ट्री बनाई है जिसमें मैंने बॉयल्ड अंडे और थोड़ा सा बॉयल्ड नहीं बल्कि जो मेरा तंदूरी चिकन होता है वो
वो थोड़ा सा डाला है, और ये जो मैंने आज इसमें पफ पेस्ट्रीज की वो यूज़ की है शीट्स, वो लो फैट है। तो बिल्कुल मेरा आज ब्रेड या किसी ऐसी चीज़ के खाने का दिल नहीं था, तो इसलिए मैंने ये बनाया है। और मैं अंदर से भी आपको इसकी थोड़ी सी फिलिंग दिखा देती हूँ। ये लो फैट का टेस्ट भी सेम वैसा ही होता है, सिर्फ ये है कि इस थोड़ी सी ऑयली कम होती हैं। तो ये बहुत अभी अभी मैंने निकाला है, गरम है, और इस तरह से इसमें एग और चिकन की फिलिंग है। अब इसको टेस्ट करती हूँ और देखती हूँ कैसा बना है। अगर आप सऊदीया में रहते हैं या रियाद में रहते हैं तो होम बॉक्स ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ न्यू डेकोरेटिव आइटम्स आए हुए हैं और बहुत अच्छी प्राइस में आए हुए हैं, सेल है। और काफ़ी अरसे बाद मुझे होम बॉक्स पे इस किस्म के डिज़ाइंस नज़र आए हैं, वरना तो बहुत जल्दी यहाँ पे सेल आइटम ख़त्म हो जाते हैं। और अगर आप ईद से पहले अपने घर को डेकोर करना चाहते हैं या किसी को ईद गिफ्ट देना चाहते हैं तो ये राइट प्लेस है जहाँ पे जाके आप बहुत अच्छे तरीके से अपने ईद गिफ्ट बाय कर सकते हैं। रियाद में पहले आइकिया का सिर्फ एक ही स्टोर होता था, और अब यहाँ पे आइकिया का एक सेकंड स्टोर बना है और अभी हम वो विज़िट करने जा रहे हैं। और रियाद में आजकल मौसम बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ हुआ है, किसी भी टाइम यहाँ पे या तो सैंड स्टॉर्म आ जाता है या बारिश स्टार्ट हो जाती है। आइकिया की एक न्यू ब्रांच ओपन हुई है और वहाँ पे हम आए हैं रोज़े से कुछ देर पहले, तो चल के देखते हैं यहाँ पे क्या न्यू आइटम्स हैं यहाँ के। आइकिया की इस ब्रांच का फुल विज़िट मैं अभी आपको नहीं करा सकती क्योंकि रोज़ा था और मैं इतनी ज़्यादा वीडियोस नहीं बना सकती थी, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें बाय की हैं जो कि मैं अपने ईद के होम डेकोर में आपके साथ शेयर करूंगी और आपको फुल वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने किन किन चीज़ों से अपने घर को ईद से पहले डेकोर किया है। प्लान तो हमने ये किया था कि हम आइकिया पे ही अपनी इफ्तारी कर लेंगे, क्योंकि आइकिया में अब काफ़ी ज़्यादा फूड आइटम्स भी आ चुके हैं, लेकिन उस टाइम पे हमें वहाँ के सारे कैफ़ेज़ वग़ैरह बंद लग रहे थे, तो इसलिए हम फिर एक मॉल आ गए हैं। और घर में हमने थोड़ी सी इफ्तारी करके तो उसके बाद हम मॉल आए थे और यहाँ से हमने फ़ास्ट फूड के साथ ही इफ्तारी कर ली है। अरब कल्चर में ऐसा बहुत होता है कि डिफरेंट जगहों पे यहाँ पे अरबिक कॉफ़ी और इस तरह से खजूरें सर्व की जा रही होती हैं, और अभी यहाँ इस मॉल में भी ये रमज़ान की वजह से सर्व की जा रही थी, तो मुझे तो अरबिक टी बहुत पसंद है, तो इसलिए यहाँ से थोड़ी सी खजूर और ये कॉफ़ी हमने ले ली। मॉल में सेल्स तो काफ़ी कम है और कुछ कुछ जगहों पर सेल्स हैं, लेकिन हम लोगों ने अभी बर्गर वगैरह खा लिया है और अब यहाँ से हम कॉफ़ी पीने का सोच रहे हैं। कर्नाटा मॉल में ये फ्रेंच कैफ़े है जिसकी पेस्ट्रीज मुझे बहुत पसंद है, रीज़नेबल प्राइस में है और यहाँ पे अक्सर ही कोई ना कोई ऑफ़र होती है कॉफ़ी के साथ कोई एक पेस्ट्री। और ईद के लिए जो मैंने गिफ्ट बास्केट्स बनानी हैं उनकी कुछ चीज़ें मैंने बाय कर ली हैं, कुछ चीज़ें रहती हैं, जो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं एक फुल वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं इस बार ईद की बास्केट्स कैसे बना रही हूं या किस तरीके से ईद गिफ्ट्स को रैप एंड पैक कर रही हूं। तो यहाँ पे इस बेकरी से मैंने यहाँ की ये ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री ले ली थी और इसके बाद घर जाएंगे। आज शहरी में हम लोग लेके आए हैं निराला स्वीट्स की चने और नान, और निराला के चने और नान बहुत हमें पसंद है, लेकिन क्योंकि वो हमारे घर से थोड़ा सा दूर है, हारा में है, तो इस वजह से हम बहुत कम वहाँ के नान और चने लाते हैं, ज़्यादातर ईद पे ही लाते हैं।